हेलो विवर, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जब आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है और कितने नंबर का आपका पेपर होता है। वैसे हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि आपको ट्रिपल सी का एग्ज़ाम कैसे देना है, इस पर पूरा एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप सबको बता दें, आप सभी के लिए एक मैराथन क्लास भी होने वाली है, तो मैराथन क्लास आप सबको ज्वाइन करना है। समय रहेगा 8:30 PM पर, ये मैराथन आपको आज मिलने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो साथ में क्या क्या लेकर जाना होगा। तो सबसे पहला आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा, जो आपका प्रवेश पत्र है उसको आपको लेकर जाना होगा। देखिए, एडमिट कार्ड आपने प्रिंट करा लिया होगा या फिर अगर आपका आगे एग्ज़ाम है तो अभी आप करा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 14 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और ये 20 तक चलेंगे। तो पहली चीज़, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना होता है। अभी आईडी प्रूफ कैसा होना चाहिए? फ़ोटो वाला होना चाहिए, यानी ऐसा एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें कोई फ़ोटो भी लगा हो आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, सबसे बेटर आपके लिए क्या होगा, आप अपना आधार कार्ड लेकर जाओ, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। तो ओरिजिनल आधार कार्ड अपने साथ में लेकर जाना है और अपना प्रवेश पत्र लेकर जाना है। ये दो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम देने के लिए। तीसरा क्या करना है, आपको मास्क भी लेकर जाना है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, क्योंकि मास्क भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो मास्क का भी विशेष आप ध्यान रखें। और आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा ये 1.5 घंटे का होगा। समय कितना रहता है, तो टाइम की अगर हम बात करते हैं, 90 मिनट का पेपर होता है। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल। जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स ही होते हैं। इसके लिए आपको कितना अंक दिया जाएगा, 100 मार्क्स आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, यानी एक आंसर आप करते हैं तो एक नंबर आपको मिलेगा। दूसरा, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। जो भी आपको नहीं पता है उसका भी जवाब आपको करके आना है, ठीक है। यानी आपने अगर मान लिया जो क्वेश्चन आपके सामने है उसका आंसर आपको नहीं आता है, फिर जो भी आपको लगे ठीक, जो आपका मन करे कि हाँ ये सही हो सकता है, तो उसको आपको करके आना है। क्वेश्चन जब पढ़ोगे आप तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा सही हो सकता है। तो जो आपको लगे वही आपको करना है। ट्रू फॉल्स में आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स में आ रहा है, तो अगर इसमें आपको नहीं पता है ट्रू फॉल्स में कि कौन सा सही है, तो आपको क्या करना है, ट्रू करना है, तब आपको ट्रू करना है। बट अगर ट्रू फॉल्स में भी आपको पता है तो उसको, जो भी आपका हो, ट्रू हो तो ट्रू करना है, फॉल्स हो तो फॉल्स करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है ट्रू होने की। इसलिए जो नहीं पता है फिर आपको ट्रू ही करना है, ताकि उसके चांसेस बढ़ जाएँ सही निकलने की, ठीक है। तो ये काम थोड़ा सा और आपको करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड का समय भी आपको मिलेगा, यानी 30 सेकेंड तक आप एक प्रश्न को पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो और भी टाइम ले सकते हैं, बट 30 सेकंड से पहले आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसको देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको जाना है, कम से कम आपको वहां पर 30 मिनट पहले पहुंच जाना है। जो भी एग्ज़ाम टाइम आपके लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड पर, उससे 30 मिनट पहले ही आपको पहुँच जाना है, क्योंकि थोड़ा पहले जाएंगे तो ज़्यादा ही बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारी कई बार समस्याएँ हो जाती हैं। तो इसलिए आपको कम से कम 30 मिनट पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपको अपने एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है। हाँ, बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर हमें क्या फ़ोटो भी लेकर जाना है? तो आपको फ़ोटो लेकर जाना नहीं होता है, फ़ोटो आईडी कार्ड लेकर जाना होता है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पर कि आपको फ़ोटो आईडी कार्ड लेकर जाना होता है। तो फ़ोटो आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड है, उसको आप लेकर जाइएगा। दूसरा, सिग्नेचर करने की बात करते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर सिग्नेचर हमें एडमिट कार्ड पर कहाँ करने हैं? तो आपको सिग्नेचर एडमिट कार्ड पर करने नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सिग्नेचर कहाँ करने होते हैं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर एक आपका अटेंडेंस सीट होगा, उस अटेंडेंस सीट पर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो वहाँ पर अटेंडेंस सीट आपको दिया जाएगा, उस पर आपको साइन करना होगा, प्रवेश पत्र पर कोई भी साइन नहीं करना होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं सर मोबाइल फ़ोन लेकर जा सकते हैं? आप जा सकते हैं, बट एग्ज़ाम सेंटर पर आपको मोबाइल फ़ोन जमा करना पड़ेगा और एग्ज़ाम होने के बाद वापस से आपको मिल जाएगा। आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें आपने समझ ली होंगी। और अभी 8:30 पर जो क्लास आपकी होगी मैराथन क्लास, उसको देखना है। बाकी जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम है तो फटाफट से आप जो प्रीवियस क्लास है उनको रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे आपके एग्ज़ाम में उन्हें अवश्य भेजना है। क्वेश्चन आप हमें 9452
4364 पर भेज सकते हैं। तो जो भी प्रश्न आपको याद रहें, अपने प्रश्न हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं ताकि हम उनको अपने क्लास में डिस्कस कर पाएँ। ठीक है।